माल बहुत बढ़िया खरीदा था, बहुत अच्छा परचेज किया था, लेकिन जब पार्सल आया, दुकान पे खोला तो पता लगा कि माल ही दूसरा है। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है या देखा है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने माल को दूसरा खरीदा है, क्वालिटी को दूसरी खरीदी है, और जब आपके पास माल पहुंचा है, प्रोडक्ट पहुंचा है, पता लगा कि ये वो चीज़ है ही नहीं, उसके बदले उससे मिलता जुलता दूसरा चीज़ आ गया है, धोखा हो गया। ऐसा हुआ है? दीवान गारमेंट में स्वागत है आपका, वेलकम। मैं दिनेश एक बार फिर से आपके साथ इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि आखिर मार्केट में फ्रॉड कैसे कैसे होता है, कैसे बचें। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, दीवान गारमेंट को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अक्सर देखा है कि मार्केट में जाने पे चीज़ें तो बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी चीज़ दिखा देते हैं, बहुत सस्ती चीज़ दिखा देते हैं, कपड़ा भी सामने अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट भी सामने को देखने में अच्छा मिलता है, लेकिन जब परचेज करते हैं तो अचानक से क्या हो जाता है कि वही माल जब दुकान में पहुंचता है तो वो क्वालिटी रहती ही नहीं, वो चीज़ें रहती ही नहीं। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा क्या हो जाता है? जो माल हमने खरीदा है वो वही माल हमको कैसे मिले, कैसे पार्सल बंद आए? अगर हम पूरी तरह सतर्क हैं तो हमारे साथ धोखा नहीं होगा। मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम जिन व्यापारियों के पास जाते हैं, जिनके साथ हमने खरीदारी पहले किया है, वहाँ जाते हैं। अगर वहाँ से हमको अच्छा माल, सही माल, सस्ते दाम पे मिला है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं या किस कोई हम बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, उसके लिए वो माल के लिए हम मार्केट में जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट के लिए हम मार्केट में जा रहे हैं, तो हम खरीदे कैसे, कैसे होलसेलरों के पास पहुँचे, कैसे मैन्युफैक्चरों के पास पहुँचे? या कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं किसी एजेंट के द्वारा या खुद जाते हैं, कि मार्केट में हम नए नए हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, तो क्या होता है? तो पहला फ्रॉड जो दोस्तों मार्केट में होता है, क्या होता है कि एजेंट, मार्केट में अगर हम कोई एजेंट के थ्रू गए हैं मार्केट में माल खरीदने, तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, भाइयों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एजेंट गलत होता है, लेकिन उनमें से कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको माल बताते हैं, माल बताते हैं कि भाई चलिए फलाने जगह अच्छा माल है, आप उनको क्वालिटी दिखाएं, या एक बार उनसे माल लेके आए हैं, उन्होंने आपको माल अच्छा दिया है, तो सेकेंड टाइम आप उस एजेंट के पास गए हैं और वो एजेंट ने बताया है कि यही माल आपको मैं दूसरी जगह से कम रेट में दिखाता हूँ, खाली लेबल या मार्कर या जो मार्क है, सिंबल है, उसका फर्क रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा तो संभल जाइए, हो सकता है कि वो अच्छा निकल जाए, लेकिन 80% कंफर्म है कि वो माल वो आपको क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसको वहाँ से कमीशन उसका ज़्यादा मिल रहा हो। क्यों? वो व्यापारी मार्जिन तो वो भी रख रहा होगा, जहाँ से हम पहले माल ले रहे थे मार्जिन तो वो भी रख रहा है, हो सकता, लेकिन फिर यह जो हमारा एजेंट है जिसके माध्यम से हम जा रहे हैं, तो वो फिर हमको बार बार वहाँ प्रेस क्यों कर रहा है कि भाई वहाँ से लेके चलो, वहाँ से लेके चलो, क्योंकि कमीशन तो उसको दोनों जगहों से मिलता होगा, फिर वहीं के लिए हमको क्यों प्रेस कर रहा है? तो वहाँ सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ उसको कमीशन ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए वो एजेंट हमारा वहीं हमको लेके जा रहा है, आखिर वो भी तो अपना जो उसका कमाई है वो भी तो रखता होगा, वो भी तो रख रहा होगा, तो फिर वो लेके क्यों जा रहा है? इस बात को समझिए, सबसे पहले धोखा ये है। सेकंड, हम किसी दुकान पे जा रहे हैं तो वो दुकान वाला, मार्केट हमने घूम लिया है, एक दुकान पे देखे हैं कि जो
माल का प्राइस है वो अन्य दुकानों से, दूसरी दुकानों से भाई 100 रुपया कम है, 150 रुपया कम है। मालूम है, मान लो कोई प्रोडक्ट कहीं 300 का है और वो प्रोडक्ट वही 200 का दे रहा है, तो वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि भाइयों, वही प्रोडक्ट कोई 300 में दे रहा है, कोई 200 में कैसे देगा? मार्जिन तो कोई इतनी बड़ी रखेगा नहीं कि भाई कोई 300 में दे रहा है, कोई 200 में दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंट होएगा? 10 से 20 रुपये का डिफरेंट होएगा। भाई कोई 290 में दे रहा है तो कोई 300 में दे रहा है, कोई 280 में दे रहा है। तो ये बात हमको सेकेंड ये है, इसमें धोखा कैसे होता है। हम व्यापारी के पास माल गए दोस्तों, सामने सामने हमने माल देखा कि भाई ये 290 रुपये वाला चीज़ है और ये 300 रुपये वाला चीज़ है, ये 240 रुपये वाला चीज़ है। मान लो आप कुछ नहीं, जींस ही खरीद रहे हैं, जींस खरीदने आए आप और आपने जींस खरीदा है, आपको उसने दिखाया जींसों में जो कलर होता है वो 3 से 4 कलर अवेलेबल रहते हैं डेनिम में। अब उसने आपको 300 वाला जींस दिखाया और मार्केट में आपने देखा कि यार वो जींस 400 का था, वो आपको 300 में दिखा दिया, आपने ओके कर लिया, बोला पार्सल बांध दो या 60 पीस 70 पीस दे दो, 50 पीस दे दो, 40 पीस दे दो। और वो व्यापारी ने क्या किया, कलर तो है, आप एक एक पीस खोल के बंडल में से तो देखेंगे नहीं, तो क्या होता है उसमें से 60 पीस आपको लेना है, 30 पीस लेना है, तो सेम पैटर्न, सेम प्रोडक्ट, सेम डिजाइन आपको क्या होएगा, 20 पीस दूसरा जाएगा, 10 पीस दूसरा जाएगा, या तो 60 पीस लिए हैं, 40 पीस दूसरा जाएगा, 20 पीस दूसरा जाएगा। हो गया, उसने लेबल कर लिया, जो बाहर का 400 मिल रहा था आपको 300 में दे के 20 पीस डाल के 10 पीस डाल के लेबल कर लिया, हो गया उसका बिजनेस, वो भी खुश, आप भी खुश। आप बड़े व्यापारी तो आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, मालूम तब पड़ेगा जब आपके कस्टमर आपसे कतराने लगेंगे। वो जब देखेंगे कि भाई 400 वाला जींस हमको 200 वाला जींस दिया गया है बोल के, 400 वाला जींस है और हम जींस हमको दिया गया है 200 वाला, वहाँ पे कस्टमर आपसे दूरी बनाने लगेगा और तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होगी। तो दूसरा धोखा मार्केट में ये होता है। और इसी में एक बार दोस्तों चेन्नई का कस्टमर एक आया था, उसके साथ धोखा भी यही हुआ था कि व्यापारी को उसने पैसे दिए और मार्केट से वो पूरा मार्केट घूमा हुआ था, व्यापारी को उसने पार्सल दिए, व्यापारी को उसने पैसे दिया, जो व्यापारी ने जो उसको माल दिखाया भाई ये माल है आपको और कल आपका माल निकल जाएगा, 500 वाला जीन्स उसको 250 रुपये में दिखाया व्यापारी ने। चेन्नई का कस्टमर था, खुश हो गया, उसने 2 पार्सल का ऑर्डर दिया, पैसा गिन के दिया। व्यापारी ने बोला भाई पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। चेन्नई वाला खुश होके सब पीस का एक एक सैंपल लेके चला गया, पार्सल ये हुआ कि 3 से 4 दिन में आ जाएगा। पहली बात तो 1-2 हफ्ते पार्सल उसके नहीं गए, उसने फ़ोन करना चालू किया, बाद में उसके पास पार्सल पहुंचा तो बंदे को दिखाया गया था 500 वाला जींस, 250 में उसने खरीदा और उसके पास जो जींस गया वो 100 से 150-200 क्वालिटी वाला जींस गया, पूरे 2 पार्सल में। फिर वो बंदा वहाँ से फ़ोन किया तो इसने बोला कि भाई आपने जो जो सिलेक्ट किया था हमने वही किया है, या तो वो माल भेज दो, हम यहाँ से फिर आपको दूसरा माल देते हैं।
अभी पार्सल का खर्चा उसने किया बंदे ने, व्यापारी के पास माल आया, अब यहाँ पे बोल रहा है नहीं ये पीस का रेंज नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है भाई तुमने बेच डाला है, खोल डाला है, पैकिंग खराब हो गया है। उसके बाद भी अभी नया माल उसको देने में उसके चप्पल घिसा दिए, व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हुआ था ये वीडियो, सबने भी देखा। तो ये मार्केट की काली दुनिया है, ये मार्केट का स्कैम है, ये मार्केट के फ्रॉड है, इनको समझिए आप। तो मार्केट में जब भी आते हैं तो पूरी तरह आँख खोल के आइए, कान खोल के आइए, देखिए हर जगह, एक 10 दुकानों 20 दुकानों में देखिए कि भाई माल हमको कौन सा लेना है, कैसा लेना है। एक दुकान में 200 मिल रहा है, दूसरे दुकानों में 190 में मिल रहा है, बराबर है, वो क्वालिटियाँ बराबर है, चलता है, 10-20 रुपए का इधर उधर दिखता है, चलता है, 10-20 रुपए इधर उधर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही माल जब एक जगह 300 में मिल रहा है और दूसरी जगह 190 में मिल रहा है, 210 में मिल रहा है, तो सतर्क हो जाइए, तब सावधान हो जाइए, गलत चीज़ मिल रहा है आपको, गलत चीज़ मिल रहा है, आपके पैसे फंसने वाले हैं। और दोस्तों तीसरे बात जो आपको बताने वाला था वो ये था कि कभी कभी क्या होता है, माल हम खरीद लेते हैं और मार्केट में वो माल हमारा नहीं चलता है, मान लो हमने नया नया धंधा शुरू किया और हमारे एरिया में वो माल नहीं चल रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो हम उसको रिटर्न कैसे करें। तो दोस्तों जब भी आप जिस व्यापारी से भी अपना माल खरीदते हैं उस व्यापारी से सबसे पहले आप बात कर लेंगे कि भाई मैं नया नया हूँ, पैसा पूरा पेड कर रहा हूँ, अगर ये मेरे मार्केट में नहीं चलता है तो आप इसके बदले मेरे को दूसरा माल दे सकते हैं, ऐसा संभव है। व्यापारी से आप जाके क्लियरली ये बात कर लेंगे कि अगर ऐसा है तो आप मुझे माल दीजिए, नहीं है तो आप फिर दूसरा दुकानदार ढूंढिए, दूसरा होलसेलर ढूंढिए, दूसरा होलसेलर ढूंढिए, दूसरा मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, जहाँ ये फैसिलिटी हो। और दोस्तों अगर एक अच्छा व्यापारी है, एक अच्छा होलसेलर है, तो आपकी वो पूरी मदद करेगा आपके साथ, वो पूरा आपके साथ वो कभी फ्रॉड नहीं करेगा, जितना हो सकता है आपकी मदद करेगा। अगर आपके मार्केट में माल नहीं चल रहा है तो बेसिकली आप उसको रीचेंज करवा लीजिए, आप उसको रिटर्न करके आप हमसे दूसरा माल ले लीजिए, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो खाली आपको भरना पड़ेगा, माल आपको दूसरा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, देखकर निकलिए मत, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धोखे से बचिए, तभी आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। नमस्कार, जय हिंद।